जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, नाराज भी होता हूँ। कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूड़ी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक। अत्यंत निंदनीय है, इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। हाउ इज दिस ऑफेंसिव लैंग्वेज अलाउड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस? डज दिस नॉट अफेक्ट द गरिमा ऑफ द हाउस व्हिच बीजेपी स्पीक्स अबाउट? यू अलाउ अ molester to be in the house, does this not affect the respect of the house? All India Trinamool Congress condemns this kind of parliamentary behavior. parliament ki ka issue hai, usme main ye speaker ka ki zimmedari hai aur ye parliamentary process chalta hai, ispe main yahan pe comment nahi kar sakta hu।